types of rasas known as navrasas, that is hasya, rudra, vibhast, bhayanak, shingar, veer, karuna, adbhut and shant. Now let's have a look at these 9 rasas performed by little stars. मैं शादीशुदा हूँ, एक ही वाक्य, किसी के लिए वीर, किसी के लिए करुणा, तो किसी के लिए हास्य रस से भरा है. करुण रस शोक का सागर, करुण रस शोक का सागर, हास्य खूब हंसाता है, रौद्र बस क्रोध दिलाता है, भयानक हमें डराता है, वीर उत्साह बढ़ाता है, वीर उत्साह बढ़ाता है, विभस घृणा भरता है, रसराज प्रेम सिखाता है. अद्भुत रस के इस महासागर में जो भी डुबकी लगाता है अद्भुत सुनता है, जो अचंभित होके जाता है. ऐसे ही अद्भुत, अचंभित और हास्य से भरा हुआ परफॉर्मेंस हमारे यूकेजी के नन्हे मन्ने बच्चे आ रहे हैं, तो आइए उनका उत्साह बढ़ाने के लिए तालियों के जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए. कोई भी व्यक्ति बिना किसी रस भाव के नहीं रह सकता, वह हर पल हर क्षण रसों से लिप्त रहता है. हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन के रंग है नव रस, ये हमारे जीवन को पूर्णता देते हैं. रति, हास, क्रोध, शोक, उत्साह, जुगुप्सा, भय, विस्मय और निर्वेद, इन्हीं भावों से रस का संचार होता है. ये रस कभी हमें हंसाते हैं तो कभी रुलाते हैं, कभी माँ की लोरी सुनाते हैं तो कभी जीवन का विद्रूप रंग दिखाते हैं, कभी शिव का तांडव कर रौद्र रूप बन जाते हैं तो कभी गौतम बुद्ध से शांति फैला जाते हैं. जीवन में हर रस का अपना अपना अलग अलग महत्व है और प्रत्येक मनुष्य के भीतर ये भाव स्थायी रूप से निवास करते हैं. 22 को कुछ ध्यान आया आप लोगों को? पुराने समय में बच्चों के मनोरंजन का उत्कृष्ट साधन हुआ करता था जो आज लुप्त सा हो गया है और उसका स्थान मोबाइल फोन ने ले लिया है. आज हम उसी बाइस्कोप के माध्यम से जीवन के रंगों में छिपे नव रसों से आप सभी को रूबरू कराते हैं. तो अब आपके समक्ष हमारे स्कूल के नन्हे नन्हे बच्चे जीवन के रंग नव रसों के संग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं. इन रंगों में कभी खुशी है तो कभी गम, डर है, प्यार व अपनापन भी है. इस जीवन का आगाज चाहे जिंदगी के किसी भी रस रंग से हो किंतु अंत खुशियों से होकर शांत रस में समाहित होता है. सोचा कहाँ था ये जो होते रहा.
क्या दिखाई दिया तुम लोगों को? भैया ये तो बड़ा ही अद्भुत और सुंदर था। बिल्कुल ठीक, ये हमारे जीवन का एक रंग है, अद्भुत व श्रृंगार रस। मजा आया? हाँ हाँ मजा आया, और भी कुछ दिखाओ ना। तो आओ देखो जीवन का दूसरा रंग। रस क्या है समझ में आया? अब बोलो तो किस किस को डर लगता है? हम बहादुर हैं, हम किसी से नहीं डरते। शाबाश बच्चों। अरे अरे गुड़िया तुम अभी तक उदास हो, चलो हंसो हंसो। ये हुई ना बात, बच्चे हमेशा हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं। हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए और हास्य रस का आनंद लेना चाहिए। ये जीवन का सबसे अहम रस रंग है, इसके बिना जीवन सूना सूना हो जाता है। वो कैसे भैया? चलो दिखाते हैं। आधी आधी ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली।
आओ बच्चों, तुम भी आओ और जरा ध्यान से सुनो। बच्चों, ये जीवन हमें सिर्फ हंसाता ही नहीं है, रुलाता भी है। सुख, हंसी व खुशी के साथ कांटे, कष्ट, पीड़ा भी जीवन का एक रंग है, जिससे हम अछूते नहीं रह सकते। अछूते नहीं रह सकते? वो कैसे? चलो मैं तुमको दिखाता हूँ कि विभत्स व करुण रस क्या है। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है बच्चों, जो सबके जीवन में धूप व छांव की तरह आती जाती है। लो देखो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन। हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की क्षमा दिल में जला लो यारो। क्योंकि अब ये लोग तो
बच्चे नहीं रहे ना, बड़े हो गए हैं। यह लोग सच्चाई से दूर हो गए हैं, भटक गए हैं, इन्होंने गलत रास्ता अपना लिया है। तो क्या ऐसा कोई नहीं है जो इन्हें शांति का रास्ता दिखाए, सच्चाई से मिलवाए? है ना, आप सभी बच्चे, तुम ही तो आने वाले कल की तस्वीर हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव है। आओ मैं तुम्हें शांत रस से परिचित कराता हूँ, फिर तुम भी ईसा और गौतम की तरह दुनिया में शांति को स्थापित करना करोगे ना? बहुत खूब, तो चलो पढ़े शांति का पाठ। नफरत को अपने दिल से मिटाएं, मिलकर दुनिया का रूप सजाएं, आओ दिलों से दिलों को मिलाएं, शांति का रास्ता हम अपनाएं। ये जो पावन धरती है, ये नफरत से डरती है, इस धरती माँ के दुखों को मिटाएं, शांति का रास्ता हम अपनाएं। मजहब की दीवार करे ना भाषा पर तकरार, सबके भले की मांगे दुआएं, शांति का रास्ता हम अपनाएं। किसी का दिल दुखाए नहीं, किसी को भी सताए नहीं, जख्मों पर सबके मरहम लगाएं, शांति का रास्ता हम अपनाएं। Thank you.